हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल। एंड यस, आई एम देयर विद यू विद पार्ट टू ऑफ यूनिट नंबर 6 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, दैट इज करोजन साइंस। ठीक है, तो पार्ट वन आपको कल मिल गया था, आज पार्ट टू आपको मिल जाएगा एंड आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं और बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके कॉलेजेस वगैरह में भी नहीं हुआ है इतना अच्छे से, तो जस्ट आपने अगर इतना ही फॉलो किया, इतने ही पीडीएफ नोट्स जो है रेफ़र करें ना, तो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। एंड आई गारंटी यू कि आपको 70 आउट ऑफ 60 प्लस तो गारंटीड मिल जाएंगे। एंड जिनको स्कोर करना है वो भी स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपने मेम्बरशिप नहीं ली है तो देख लीजिए, हमारे चैनल्स पर बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो आप देख लीजिए। आपको अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, वो आपको गोल्ड मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगे। रखा तो मैंने प्लैटिनम के अंदर था, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको कम प्राइस में चाहिए, तो मैंने बहुत नॉमिनल से चार्जेस के अंदर ही सारे के सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कर दिए हैं, आप वो लेके सारे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हमने पार्ट वन ले लिया था, ठीक है, तो बस पार्ट वन हो गया। यूनिट फोर भी हमने जो है दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने कल भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट बहुत सिस्टमैटिक वे के अंदर जो है ना आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर। ये आधे यूनिट्स मतलब आधे सब्जेक्ट्स तो आप कह सकते हो कि पूरे कंप्लीटेड हैं, पीपीएस देन फिजिक्स देन बीडब्ल्यूई एसएमई कंप्लीट है। ठीक है, तो जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड अगर कुछ है तो वो ये रेफर कर लेना। सब कुछ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सब सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एंड बीएससी केमिस्ट्री और ग्राफिक्स के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, यस मैकेनिक्स पर भी, उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है मैंने अभी, तो जैसे ही उसकी सेकेंड वीडियो आ जाएगी मैं उसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी। एंड हाँ, सब कुछ आपको सिस्टमैटिक वे में मिलेगा, तो आपकी जितनी अच्छी सपोर्ट रहेगी, आप जितना मुझे दिखाओगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, उतनी जल्दी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। एंड आई होप कि आप मेरे ही साथ चल रहे हो, जितना मैं स्टार्टिंग से लेके मतलब अभी तक आई थिंक एक दो वीक तो हो गए कि मैं कंटिन्यूस जो है ना लेक्चर्स डाल रही हूँ। तो अगर आप जो है इस चैनल पर जुड़े हो तो प्लीज़ इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। एंड मतलब रोज़ आप अगर प्रैक्टिस करोगे एंड रोज़ वो लेक्चर्स देखोगे जो मैं रोज़ अपलोड कर रही हूँ, एंड वैसे ही चलोगे ना सिक्वेंस में, तो आपका सिलेबस ऐसे समझो कि आप एकदम राइट वे में जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम डेज बचे हैं, बहुत ज़्यादा कम डेज बचे हैं, 7-8 दिन ही बचे हैं, तो उनके उसके अंदर हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बस आप मुझे बताओगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा यूनिट जो है इम्पॉर्टेंटली मतलब चाहिए, ठीक है, तो वो मैं सबसे पहले अपलोड करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आज जो है आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा केमिस्ट्री का, एंड आपको सारे के सारे जो है लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स वो सब मेंबरशिप में मिल जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर के बाद मैं इसके भी जो नोट्स हैं ना वो अपलोड कर दूंगी मेंबरशिप में। ठीक है, तो बस अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मतलब प्रैक्टिस एवरीथिंग। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा भूलते हैं लोग, तो उसके लिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको वो रिवीजन करना होगा डे बाय डे। ठीक है, तो अभी जैसे आपके यूनिट 6 हो जाए, एक बार क्या करो, 2-3 घंटे का टाइम निकालो एंड स्टार्टिंग यूनिट 3 से लेके 4, 5, 6 रिवाइज कर दो। रिमेंबर ईजी है अगर आपने पहले से प्रिपेयर करे हुए हैं, ठीक है, एंड अगर प्रिपेयर नहीं करें तो देखो अभी भी टाइम है, आप एक दिन में एक यूनिट कर सकते हो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अलोंग विद अदर ऑल योर स्टडीज, अगर आप मैथ्स कर रहे हो, ग्राफिक्स कर रहे हो ना प्रैक्टिस, तो उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी करो। ठीक है, इसके बाद मैं बीएससी कंप्लीट कर दूंगी एंड लाइकवाइज आपका जो है ना सब्जेक्ट चलता रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप कुछ भी सीखो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल पार्ट वन ले लिया था, एंड एज यू ऑल नो कि हमारा कुछ जो चंक है वो कंप्लीट हो गया था इस यूनिट का, तो चलिए एक काम करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो करोजन है उसका हमने डेफिनेशन देख लिया था। चलिए क्या है डेफिनेशन, इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ एनवायरमेंट स्टार्टिंग एट द सर्फेस ऑफ मेटल। दो टाइप्स देख लिए, ड्राई करोजन, वेट करोजन। ड्राई करोजन किस वजह से होता है, डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लाइक दिस ऑफ गैसेस एंड फ्लो ऑफ हॉट लिक्विड्स, करेक्ट। देन उसके बाद हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ड्राई करोजन का, जिसमें हमने चार स्टेप्स देखे, ये डायग्राम देखा, रिएक्शन देखी, ठीक है। एंड देन नेचर और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स लेयर, जिसमें मैंने चार टाइप्स आपको बताए थे, पोरस, नॉन पोरस, अनस्टेबल एंड वोलेटाइल। पोरस ऑक्साइड लेयर जो है उसके लिए भी मैंने एकदम बहुत ईजिली आपको बताया। एंड येस, जो मैंने आपको बोला कि करोजन होगा या नहीं होगा, ये मेंशन करना इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दिखा सकते हो, रिएक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। नॉन पोरस के अंदर देख लो, सेम जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया है, इससे ज्यादा आपको एक वर्ड नहीं लिखना है। एंड बिलीव मी, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। देन ये पीबीआर रेशियो, ठीक है, ये भी 3 से 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, क्या स्टेट करता है क्या नहीं, तो आप लिखो। अदर गैसेस के वजह से देखो, क्लोरीन, कितने सिंपल नोट्स है। अगर आपको कहीं और मिले ना ऐसे नोट्स तो मुझे बता देना, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको कोई भी नहीं देगा, इतने सिंपल फॉर्मेट में एंड हैंड रिटन नोट्स बहुत मतलब मुश्किल से ही मिलेंगे, अदरवाइज आई डोंट नो कि मिल सकते हैं। मैंने बहुत टाइम लेके देख लीजिए आपके लिए बनाए हुए हैं। एंड यस, ये सब देखो, जैसे मैकेनिज्म ऑफ वेट करोजन है, रिएक्शन ऑफ एनोड देन कैथोड। एंड यस, जैसे कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस हमें मेंशन करना इंपॉर्टेंट होते हैं वेट करोजन के अंदर, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक विच वी सीन यस्टरडे वॉज फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन। एंड जैसे मैंने बोला कि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ऐसे पर्टिकुलरली भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड दे विल से यू लाइक 4, 5 or 6, एंड इफ नॉट मेंशनड आपको जितने याद रहे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक जो है आपका क्लियर है, रिवाइज कर लिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज आर करोजन प्रोटेक्शन और कंट्रोल मेथड्स। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आप फोकस करिए एंड मेरे साथ लर्न करने का ट्राई करिए। अगर आपका लेक्चर्स में ना 50% भी अगर लर्न हो रहा है, तो आपका रिवाइज करते वक्त जो है ना वो आधा 50% भी हो जाएगा, एंड मतलब समझेगा भी नहीं आपको कि आपने यूनिट कब लर्न कर लिया, ठीक है। तो जस्ट पे अटेंशन एंड फोकस, ठीक है। तो चलिए, करोजन प्रोटेक्शन के लिए हमें कंट्रोल मेथड्स है, जिसमें फर्स्ट है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड एज आई हैव रिटन 5 to 6 मार्क्स के लिए हर बार ये टॉपिक देखा गया है, ठीक है। तो क्या है, देखो कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन इज फोर्स्ड टू बिहेव एज अ कैथोड, ठीक है। यानी कि जिस मेटल को हमें करोजन से बचाना है, ठीक है, उस मेटल को हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसको एज अ कैथोड बिहेव करवाना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखो ये वाली टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड हम लोग पाइपलाइंस वगैरह फिट करते हैं, तो वो मेटल की, स्टील की पाइपलाइंस होती हैं, करेक्ट। तो उनके अंदर करोजन लगने के हायर चांसेस होते हैं, बिकॉज वो अंडरग्राउंड होती है ना, सॉइल के हमेशा कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो इस वजह से उनको ऐसे मतलब इस टेक्निक से बनाया जाता है ताकि उनमें करोजन ना हो, ठीक है। सो इस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, उस मेटल को फोर्स कराते हैं टू बिहेव एज अ कैथोड, करेक्ट। तो इसके देखो दो टाइप्स हैं, एक है सैक्रिफिशियल एनोड और इम्प्रेस्ड करंट, ठीक है। तो या तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स वन ऑफ द टाइप, और आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने आएगा तो आप दोनों, लेकिन दोनों मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन है एंड आया भी तो 7 to 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको वन टाइप ही एक्सप्लेन करना होगा और डायरेक्टली मेंशनड होगा सैक्रिफिशियल एनोड और योर इम्प्रेस्ड करंट, ठीक है। तो इन दोनों में से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप पढ़ लो क्या है। देखो फर्स्ट है सैक्रिफिशियल एनोड, एंड इसको गैल्वेनिक प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। इसके लिए ये डायग्राम है, बहुत ज्यादा सिंपल सा डायग्राम है। देखो ये क्या है, ये देखो ये है आपका ग्राउंड, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये टेक्निक कहाँ यूज होगी, वहां पर जहाँ पे आप अंडरग्राउंड कोई चीज सिचुएट कर रहे हो एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन, ओके। तो ये है आपका ग्राउंड एंड इसके अंदर है सॉइल, ठीक है। एंड वेट सॉइल हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, देखो सॉइल तो होती है लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, रेन एंड ऑल,
वेट हो जाती है हमारी सॉइल, एंड दैट वेट थिंग लाइक वाटर अगर हमारे ऑक्सीजन के साथ एंड ये सब अगर चीजें मिल जाए तो करोजन एंड रस्ट को मतलब ऐसे कि एक स्पीड ही मिल जाती है ना. तो वही हम कंसिडर कर रहे हैं कि वेट सॉइल है एंड ये है वो पाइपलाइन. कौन सी पाइपलाइन? अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जिसको हमें करोजन से प्रोटेक्ट करना है. करेक्ट. उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये बॉक्स है जिसके अंदर, ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक और बॉक्स है, ठीक है. उस बॉक्स को क्या नेम देंगे हम? एनोड. ठीक है, तो हमें जैसे इसको बोला कि इसको हम कैथोड की तरह वर्क करवाएंगे तो हमारे पास एनोड भी होना चाहिए ऑब्वियसली. तो ये जो एनोड है, ये एनोड किसका बनता है? एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा. ये जिस बॉक्स के अंदर है उसको आप बैकफिल बोल सकते हो या फिर आप ब्लैक फिल बोलो, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आप ब्लैक फिल बोलो इसको, ठीक है. इसको किससे बनाया जाता है? कोल एंड NaCl से बनाया जाता है. करेक्ट, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है. तो यहां पर ये दोनों कैथोड और एनोड कैसे कनेक्टेड है? इंसुलेटेड वायर से कनेक्टेड है. क्रिएट, ठीक है. ग्राउंड हो गया, वेट सॉइल हो गई, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जिसको आप कैथोड की तरह वर्क करवाओगे, एनोड है, ठीक है. एनोड किसके अंदर सिचुएटेड है? ब्लैक फिल के अंदर, जो कि किसका मिक्सचर है? कोल एंड NaCl. ये रिमेंबर करना, कोल एंड NaCl. यहाँ पर एनोड किसका है? एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम. बस इतना ही डायग्राम है ना, सिंपल कंसेप्चुअली भी. तो प्रोसेस देखो कैसे होगा. एनोड कंटेन्स रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम. तो यहाँ पर जो मैंने आपको एनोड बताया, इसके सामने जो ब्रैकेट में लिखा है वही आपका फर्स्ट पॉइंट है. क्या? एनोड कंटेन्स रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. उसके बाद एट कैथोड दैट मेटल इज प्लेस्ड विच वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम करोजन. करेक्ट, वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, अंडरग्राउंड पाइपलाइन. ओके, तो इसको क्या है? ये वो मेटल है जिसको आपको करोजन से प्रिवेंट करवाना है एंड इट acts as cathode. ठीक है, दो points clear हो गए. Third point देख लो यहाँ पर, anode and cathode are connected with each other through insulated wire. मतलब कितना simple है, just we have to describe the diagram. ठीक है, तो पहले एनोड बता दिया, फिर कैथोड, एंड देन ये बता दिया कि ये दोनों काय से कनेक्टेड है? इंसुलेटेड वायर से कनेक्टेड है. फोर्थ पॉइंट क्या है? एनोड अंडरगोज करोजन इटसेल्फ, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द अदर मेटल, हेंस कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड. आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट क्या है. देखो आप खुद ही देखो कि आपके टॉपिक का नाम क्या है या फिर आप टाइप का नाम क्या है, सैक्रिफिशियल एनोड. करेक्ट, सैक्रिफिशियल एनोड इसका मतलब कि जो एनोड है वो खुद करोड़ हो जाएगा. ठीक है, एनोड जो है वो खुद करोड़ हो जाएगा लेकिन ये कैथोड को करोड़ होने से प्रिवेंट करेगा. इसका मतलब एनोड क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो दैट इज नथिंग बट सैक्रिफिशियल एनोड. एंड ये एनोड को क्या कर सकते हैं हम? बार बार निकाल के इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसको चेंज कर सकते हैं. एंड ये जो है ना, ये वाली पाइपलाइन या फिर जो भी है कैथोड की तरह जो एक्ट कर रहा है उसको आप करोजन से प्रिवेंट कर सकते हो. आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल है. आई एम गोइंग वेरी स्लो, ठीक है. तो आई थिंक ये आपको याद हो गए होंगे चार पॉइंट्स. अब यहाँ पर देखो एनोड, ये फिफ्थ पॉइंट है एक्चुअली. एनोड इज केप्ट इन बैकफिल, ब्लैकफिल कह लो आप, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कोल एंड NaCl, ठीक है. एनोड काय में रखा जाता है? ब्लैकफिल, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था. दिस इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एनोड एंड वेट सॉइल, ठीक है. एनोड और वेट सॉइल के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए जो ब्लैक फिल है वो यूज किया जाता है, ठीक है. कोल एंड NaCl का मिक्सचर है, रिमेंबर. अब इसके एप्लीकेशंस देख लो. एप्लीकेशंस में क्या है? बरीड स्टील पाइपलाइंस, हॉट वाटर टैंक्स, शिप हल, बरीड केबल्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सब चीजों के अंदर वी यूज दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि हम अपने मेटल को जो है करोजन से बचा सके. अब देखो सेकेंड टाइप है इंप्रेस्ड करंट. आई होप कि आपको जो डायग्राम है वो सिमिलर लगता होगा सैक्रिफिशियल एनोड से, ठीक है, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है. जस्ट ऐसा मत बोलो कि पाइपलाइन इधर कर दिया, एनोड इधर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब जस्ट टू मेक डिफरेंस मैंने ऐसा किया है. अदरवाइज यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ना, यही सबसे ज्यादा मेन मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है. तो आई होप सैक्रिफिशियल तो क्लियर है. अब इंप्रेस्ड करंट के ऊपर आते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्राउंड है,
वही सब वेट सॉइल है, यहाँ पर आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो पाइपलाइन है वो एक्ट करेगी एज अ कैथोड। यहाँ पर एनोड है, एनोड के अंदर आप देखो यहाँ पर एनोड का क्या है, ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा, ठीक है, ग्रेफाइट हो सकती है, स्टेनलेस स्टील हो सकती है एक्सेट्रा। एंड देन ब्लैक फिल आप देखो जो कि जिप्सम और कोक से बनी हुई है, ओके। तो यहाँ पर जो आपके जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ब्लैक फिल और एनोड के वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखना। एंड हाँ, यहाँ पर आपको ये वोल्टेज दिखानी है इंसुलेटेड वायर के अंदर, अदरवाइज कंप्लीट डायग्राम इज सेम। प्रोसेस देख लेते हैं, आओ प्रोसेस के अंदर क्या लिखोगे आप, फर्स्ट देखो, एन इंप्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलिफाई द करोजन करंट टू कन्वर्ट एनोडिक मेटल इनटू कैथोड, यानी कि वो एनोडिक मेटल को कैथोड के अंदर जो है ना कन्वर्ट करने के लिए, ये जो एनोडिक मेटल है उसको कैथोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, करोजन करंट जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, करोजन करंट। तो उसको जो है हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक इम्प्रेस्ड करंट जो है ना वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलिफाई द करोजन करंट, ताकि वो करोजन करंट क्या हो जाए, एकदम नलिफाई हो जाए, टू कन्वर्ट एनोडिक मेटल इनटू कैथोड। सेकंड पॉइंट है, द इंप्रेस्ड करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डीसी सोर्स, ठीक है, जो इंप्रेस्ड करंट है उसको हम डीसी सोर्स यानी वो जो वोल्टेज लगाई है हमने, तो वो ही हमारा जो है इंप्रेस्ड करंट जनरेट करेगी, क्लियर। एंड इट इज गिवन टू इनसोल्यूबल एनोड, ठीक है, तो वो जो है डायरेक्टली किधर जाती है, देखो यहाँ पर जो करंट है वो कहाँ आता है, एनोड के अंदर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वापस से मैं रिवाइज करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलिफाई द करोजन करंट टू कन्वर्ट द एनोडिक मेटल इनटू कैथोड, देन द इम्प्रेस्ड करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम डीसी सोर्स एंड इट इज गिवन टू इनसोल्यूबल एनोड, लाइक हमने एनोड के अंदर क्या रखा है, ग्रेफाइट या स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा, ठीक है, विच इज बरीड इन द सॉइल। थर्ड पॉइंट देखो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ पाइपलाइन दैट इज कैथोड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन, तो ये डायग्राम में एकदम क्लियर है। यहाँ पर देखोगे तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो एनोड से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल आपके कैथोड यानी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, बस वही पॉइंट में लिखा हुआ है। फोर्थ क्या है, एनोड इज कैप्ट इन द ब्लैक फिल दैट इज जिप्सम एंड कोक, ठीक है, यहाँ पर है जिप्सम एंड कोक। एंड रिमेंबर करो सेक्रिफिशियल एनोड के अंदर क्या था, तो कोल एंड NaCl था, ठीक है, मैं रिमेंबर कर पा रही हूं तो आपको भी रिमेंबर करना होगा, ठीक है, ऐसे ही याद होगा, ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर भी जो ब्लैक फिल का काम है वो यही है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग सॉइल, क्लियर। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। देयर एप्लीकेशंस, इसको वाटर टैंक्स में यूज किया जाता है, ओपन वाटर बोर कूलर्स, बरीड स्टील पाइपलाइंस, ट्रांसमिशन टावर, कंडेंसर्स, ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फर्स्ट दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक ही डायग्राम याद करनी है एंड दूसरी वाली खुद याद हो जाती है, ठीक है। चलो अब जैसे हमने फर्स्ट पढ़ लिया कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो अब हमें एनोडिक प्रोटेक्शन पढ़ना होगा, ठीक है, तो एनोडिक प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, सो द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन इज एक्टिंग एज एनोड बाय यूजिंग पैसिविटी वोल्टेज रेंज इवन बाय स्ट्रॉन्ग करोडिंग मीडिया, यानी कि क्या है, जैसे कि हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर देखा हमें जिस मेटल को करोजन से प्रिवेंट करना है हम क्या कर रहे थे, उसको एज अ कैथोड जो है बिहेव करवा रहे थे, करेक्ट। यहाँ पर क्या करना होगा हमें, वही सेम मेटल को जिसको हमें करोजन से प्रोटेक्ट करवाना है उसको हम एनोड की तरह बिहेव करवाएंगे, ठीक है, आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अगेन आई विल रीड द प्रिंसिपल, द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन इज एक्टिंग एज एनोड बाय यूजिंग पैसिविटी वोल्टेज रेंज इवन बाय स्ट्रॉन्ग करोडिंग मीडिया, क्लियर। देन इसका ये डायग्राम है, देख लो ये कंप्लीट डायग्राम है। यहाँ पर जो लेबलिंग्स है वो जरा ज्यादा बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर हमने जो है पहले नंबरिंग दे दी है एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पे जो है लेबलिंग कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम देख लो आपको वन जो, चलो मैं एक एक करके आपको जो है ना लेबल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो वन आपको नजर आता होगा, वन देखो यहाँ पर वन है, तो वो क्या है, आयरन टैंक कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, तो ये क्या है, एक आयरन टैंक है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो
है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन टैंक कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, देखो अब सेकंड आपको क्या दिख रहा है ये, ठीक है, देख लो क्लियरली, देख लो ये सेकंड है आपका, ओके। तो वो क्या है, टैंक इज मेड एनोड, यानी कि ये जो टैंक है, ठीक है, आई थिंक हमें क्या करवाना है, अब टैंक को जो है हमें करोजन से प्रिवेंट कराना है, प्रोटेक्ट करवाना है, तो उसको हमें एनोड की तरह जो है बिहेव करवाया है, इसलिए ये सेकंड वाला क्या है आपका, एनोड है, ठीक है, यानी कि जो टैंक है उसको हमने एनोड प्रिपेयर कराया है। थर्ड है आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, देखो ये थर्ड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये है क्या आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, यानी बेसिकली ये ग्रेफाइट का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको क्या बोलना है हमें, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोलना है, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, ये है फोर्थ, ओके, ये क्या है आपका, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड या इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब जस्ट यहाँ पर लेबलिंग में आपको जो है करना पड़ेगा, आपने जैसे यहाँ पर थर्ड ऑक्सिलरी, जो भी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये याद रखना वो ग्रेफाइट का होगा, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, इसको रेफरेंस बोल सकते हो, इसको ऑक्सिलरी बोल सकते हो, या फिर इसको ऑक्सिलरी बोल के इसको रेफरेंस बोल सकते हो, लेकिन ये याद रखना जिसको ऑक्सिलरी बोलोगे वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होगा, एंड जिसको रेफरेंस बोलोगे वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा। आई होप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेवल्स क्लियर है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है आपका पोटेंशियोस्टैट, यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, ये है आपका पोटेंशियोस्टैट, क्लियर। उसके बाद है देखो सिक्स्थ वाला क्या है आपका, वोल्टामीटर, ठीक है, यहाँ पर देखो वोल्टामीटर, ओके, वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर, ओके, मैंने गलत नहीं लिखा है, गलत मत समझ लेना। सेवेंथ है एमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर है ये एमीटर, ठीक है, तो ये करंट मेजर करने के लिए। सो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये सबसे बड़ा लेबल है ये आयरन टैंक का, जिसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये है सेकेंड, ठीक है, वो मेटल, यानी कि आप जो टैंक है आपका वो, उसको हमने एक्ट करवाया है एज एनोड, जिसको हमें करोजन से प्रिवेंट करवाना है। थर्ड है आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जिसको आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हो। फोर्थ है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी बोलते हो। यहाँ पर फिफ्थ है आपका क्या, पोटेंशियोस्टैट, करेक्ट। देन सिक्स्थ है आपका वोल्टामीटर, एंड सेवेंथ है आपका एमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, जस्ट लेबलिंग थोड़ी बड़ी बड़ी है, एंड यस आई होप कि आपने लर्न कर ली होगी, ठीक है। चलो मेथड देख लेते हैं। मेथड में क्या है, मेटालिक इंस्टॉलेशंस लाइक इंडस्ट्रियल कूलर्स, कंडेंसर्स, रिएक्टर्स एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड इंटू एनोड बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड दैट इज ग्रेफाइट एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज प्लैटिनम। यानी कि बेसिकली वो क्या बोल रहे है कि मेटालिक के जैसे इंस्टॉलेशंस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल कूलर्स हो गए, कंडेंसर्स हो गए, ठीक है, रिएक्टर्स हो गए, जैसे ये बड़ी-बड़ी चीजें हैं ना मेटल्स की, तो यही क्या होती हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करवाना होता है करोजन से, क्योंकि हर मेटल की चीज जो है वो करोड हो सकती है, ठीक है, एंड हर चीज को हम करोड तो नहीं करवा सकते, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें जो है, जैसे इंडस्ट्रियल कूलर्स हो गए, कंडेंसर्स हो गए, रिएक्टर्स हो गए, ये सब चीजों के अंदर हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम करोजन। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू एनोड, ठीक है, बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड मैंने जैसे बोला हमेशा ग्रेफाइट होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका हमेशा प्लैटिनम होगा, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये मेटालिक इंस्टॉलेशंस को एनोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखो, पोटेंशियोस्टैट इज प्रेजेंट फॉर अप्लाइंग डिजायर्ड वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियोस्टैट क्यों यूज किया जाता है, देखो पोटेंशियोस्टैट कहाँ था, देखो पोटेंशियोस्टैट था ये आपका फिफ्थ मतलब बॉक्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये पोटेंशियोस्टैट क्यों यूज किया जाता है, टू इज प्रेजेंट फॉर अप्लाइंग डिजायर्ड वोल्टेज, ठीक है। फिर थर्ड क्या, एमीटर इज यूज टू वॉच द करोजन करंट, है ना। फिफ्थ क्या है, इफ द सिस्टम गोज आउट ऑफ करोजन कंट्रोल देन रिमूव ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इमीडिएटली, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे ही आपका सिस्टम करोजन आउट ऑफ करोजन कंट्रोल हो जाता है, आपको सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो है वो रिमूव कर देने हैं इमीडिएटली। दिस इज लास्ट प्रिवेंशन पॉइंट, ओके। तो ये सब प्रोसेस में आप चार पॉइंट लिख लो, इनफ है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम एंड लेबलिंग है। आपने वो कर दिया तो आपको हाफ से ज्यादा मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बाकी राइट अप इतना ज्यादा कोई देखता नहीं है, लेकिन हाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है।
फिर देख लो एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो है, एप्लीकेबल टू हाईली करोजिव मीडिया, ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन लैब। ओके चलो एप्लीकेशंस वही लिखना है जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखे थे। मेटालिक इंस्टॉलेशंस कौन से देखो, इंडस्ट्रियल कूलर्स, कंडेंसर्स, रिएक्टर्स, और क्या लिख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स मेटालिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन ऑन ग्राउंड और अंडर सी वाटर, देन पाइपलाइंस फॉर कैरिंग लिक्विड्स। ओके देन हाँ, इसके लिमिटेशंस भी हैं कि इसका इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो हाई है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हाई है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज मेटल्स व्हिच शो एक्टिव पैसिव बिहेवियर, ठीक है, जो एक्टिव पैसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं बस वही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वाले मेटल्स के अंदर ना अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको नहीं पता एक्टिव पैसिव बिहेवियर क्या होता है तो आप अभी सर्च करो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा एक्टिव पैसिव बिहेवियर क्या है, क्योंकि ये मेटल्स परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, तो ये उन मेटल्स पे भी एप्लीकेबल है ये वाली टेक्निक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम करोजन। ओके देन थर्ड पॉइंट है हाई स्टार्टिंग करंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ लिमिटेशन। तो ये हो गया पूरा आपका एनोडिक प्रोटेक्शन का पार्ट, ठीक है, आई होप क्लियर है। देखो कंप्लीट, आप देखो एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं मिलेगा आपको, एंड दो पेजेस के अंदर आपका जो है ना कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आपको मजा आता होगा पढ़ने में, एंड इतना कॉम्पैक्ट आपको कोई नहीं देगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। तो बस आप क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से लर्न करो ये चीजें, ठीक है। चलो एनोडिक प्रोटेक्शन में मैंने प्रिंसिपल बता दिया, डायग्राम बता दिया विथ लेबल्स, ठीक है, देन मेथड्स बता दिए। देखो मेथड के अंदर आप यही चार पॉइंट्स लिखो एंड जस्ट एक बार रीड करके आपको लर्न हो जाएंगे। फिर एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, लिमिटेशंस, इसके ऊपर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सरफेस क्लीनिंग मेथड्स हैं, ठीक है, सरफेस क्लीनिंग मेथड्स के अंदर देख लो सबसे पहले, हाँ, जो मेटल कोटिंग्स हैं, बिफोर अप्लाइंग मेटल कोटिंग्स, अब हम मेटल कोटिंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो मेटल कोटिंग्स करने से पहले कोई भी चीज को अगर आपको कोटिंग देनी है, एक नया लेवल देना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वो क्लीन करना पड़ता है हमें, है ना। आप यही इमेजिन कर लो, अगर आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगवाने गए हो तो सबसे पहले क्या करता है वो जो भी मतलब पर्सन आपके वो लगा के दे रहा है पे, वो क्या करता है, सबसे पहले अपना क्लीन करता है हमारी स्क्रीन को, मोबाइल की क्या करता है, क्लीन करता है, एंड देन वो उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाता है ना। तो वही वैसी ही टेक्निक है ये, मेटल कोटिंग अप्लाई करने से पहले हमें जो मेटल्स के जो सरफेस हैं वो क्लीन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो कि ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं, फाइव है, ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, बस ऐसे ही आपको मतलब सिर्फ टॉपिक नहीं लिखना है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वो ही आपको लिखना है, ठीक है। अब हर चीज में नोट्स में मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है, हाँ मैंने मोस्ट 99% हर चीज करी है, लेकिन आपको लेक्चर देखना है, यहां से भी कुछ सीखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट है आपका सॉल्वेंट क्लीनिंग, तो देखो ये जो क्वेश्चन है जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन है, अबाउट 4 to 5 marks के लिए वो पूछा जाता है, वैसे यही ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है, 4 to 5 marks के लिए ये भी पूछा जाता है, बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट, देखो सॉल्वेंट क्लीनिंग, ये क्या है, देखो इट इज मेड टू रिमूव व्हाट, ऑयली और ग्रीसी मैटर, ठीक है, जो भी हमारे मेटल के ऊपर अगर कोई भी ऑयली या फिर ग्रीसी मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CCl4, ज़ाइलीन, टोल्युइन एक्सेट्रा, या फिर डिटर्जेंट सॉल्यूशंस को यूज करके हम ये क्लीन कर सकते हैं, समझ में आ गया। यानी कि अगर हमारे मेटल के ऊपर क्या है, ऑयली या फिर ग्रीसी की कोई लेयर है, ठीक है, तो उसको हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जरूरत होगी, यानी कि क्या CCl4 आप देख सकते हो, ज़ाइलीन, टोल्युइन, ठीक है, या फिर आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो, बस, ठीक है। तो ये है आपके लिए फर्स्ट, दैट इज सॉल्वेंट क्लीनिंग। फिर देख लो सेकेंड है आपका अल्कली क्लीनिंग, तो अल्कली क्लीनिंग में क्या होगा, देखो दीज आर यूज टू रिमूव ओल्ड पेंट्स कोटिंग, ठीक है, तो मेटल के ऊपर हमने देखा होगा कई बार क्या होता है, बहुत पुराने जो पेंट है ना, पेंट की कोटिंग्स हो जाती है ना, एंड दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं कौन सी, अल्कली क्लीनिंग, ठीक है, सम टाइप ऑफ रस्ट बाय यूज ऑफ अल्कली सॉल्यूशंस आल्सो, मतलब बहुत सारे ऐसे रस्ट हो जाते हैं, या फिर ओल्ड, आप समझ सकते हो जो ओल्ड हमारे पेंट्स वगैरह होते हैं वो कई बार मतलब हमारे डोर्स वगैरह पे भी रह जाते हैं, एंड उनको बहुत डिफिकल्ट होता है रिमूव करना, है ना, तो वहां पर अल्कली क्लीनिंग करी जाती है। तो आप अल्कली सॉल्यूशन
यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉलोड बाय एसिड क्लीनिंग। ठीक है, एक बार एल्कली क्लीनिंग हो गई, यानी कि एल्कली सॉल्यूशन से आपने क्लीन कर दिया, देन आफ्टर दैट आपको सेम मेथड के अंदर एसिड से जो है ना वॉश करना होगा। ठीक है, आई थिंक कि समझ में आ गया है आपको। तो ये है फर्स्ट सॉल्वेंट क्लीनिंग, जो कि कहाँ यूज हो रहा है, ऑयली और ग्रीसी मैटर के अंदर। देन अल्कली क्लीनिंग जो आपका यूज हो रहा है कहाँ पर, ओल्ड पेंट कोटिंग्स। ठीक है, देन थर्ड है देखो आपकी मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल क्लीनिंग, तो मैकेनिकल क्लीनिंग से हमें समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी हार्ड चीज में यूज होगा, है ना। तो हार्ड चीज यानी कि आपको रस्ट वगैरह रिमूव करवानी है, तब ये मैकेनिकल क्लीनिंग होती है। एंड इसके अंदर आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अभी हमने सोल्यूशन का यूज करा है ना, आपको लाइक वायर ब्रशेज होते हैं ना, वायर ब्रशेज या फिर अब्रेसिव्स हो जाते हैं, स्क्रैपर्स हो जाते हैं, ग्राइंडर्स हो जाते हैं, वो यूज करने होंगे किसमें, मैकेनिकल क्लीनिंग के अंदर। ठीक है, देन फ्लेम क्लीनिंग। अब देखो स्टार्टिंग से हम थोड़े से लो लेवल की मतलब इम्प्योरिटीज देख रहे थे, है ना, लेयर्स देख रहे थे। अब धीरे धीरे जो है ना एकदम हाई लेवल, एकदम हार्ड हार्ड जो है ना चीजें हो जाएंगी, मतलब जिनको हमें रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम मेटल। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड हो गए, फ्लेम क्लीनिंग। देखो फ्लेम क्लीनिंग में आपको क्या है, मेटल सर्फेस इज हीटेड विद द फ्लेम। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अगर हमें रिमूव करनी है ना, तो अगर वो बहुत हार्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको फ्लेम मतलब उसको हम हीट अप कर सकते हैं, ताकि उसके जो बॉन्ड्स है वो लूज हो जाए, है ना। तो वो अगर आपके है लाइक फ्लेम क्लीनिंग के अंदर, आपको सबसे पहले क्या करना है, हीट करना है विद द फ्लेम टू रिमूव लूज स्केल एंड मॉइस्चर। ठीक है, लूज स्केल एंड मॉइस्चर फॉलोड बाय वायर ब्रशिंग। ठीक है, उसके बाद उसको फ्लेम को मतलब हीट कर, फ्लेम से हीट करके आपको क्या करना होगा, वायर ब्रश से स्क्रैप करके वो जो भी इंप्योरिटी है, लेयर है ना, वो आपको रिमूव करनी होगी। ठीक है, देन लास्ट वन है आपकी सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग। तो सैंड ब्लास्टिंग कहाँ यूज होती है, सो इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑक्साइड स्केल, पर्टिकुलरली व्हेन रफंड सरफेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एकदम हार्ड दैट इज ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग यूज होती है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ हाई प्रेशर सैंड ऑन हॉट सरफेस, यानी कि आपको पता है सैंड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई तक पहुंच सकता है ना। एंड हमने एसएमई सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था सैंड से रिलेटेड, तो आपको याद है तो मुझे बताना, क्योंकि देखो वो चीज़ के अंदर हमने सैंड पढ़ी थी एंड मेटल रिलेटेड था वो, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, सैंड को क्यों हीट कर रहे थे एंड उससे उसकी हेल्प से आगे का प्रोसेस कर रहे थे, क्योंकि सैंड बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट अप हो सकती है ना, उसके बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो समझ में आ गया ना कि सैंड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये जो सैंड है ये उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जो है ना ऐसे लेयर कर दिया जाता है, ताकि वो उसके हाई टेम्परेचर से उसके जो भी लूज मतलब स्केल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ योर सैंड ब्लास्टिंग। सो आई होप समझ में आ गए होंगे ये फाइव मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स जो कि आपको परफॉर्म करने होते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है, उसकी कोटिंग से पहले। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सॉल्वेंट क्लीनिंग, अल्कली क्लीनिंग, मैकेनिक क्लीनिंग, देन फ्लेम क्लीनिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग। आई होप लर्न हो गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला आपको मेटालिक कोटिंग्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, इसके कोई भी पार्ट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मेटालिक कोटिंग्स के अंदर हमारे पास दो कोटिंग्स आ जाती हैं, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग। ठीक है, तो एनोडिक कोटिंग्स जो है वो सैक्रिफिशियल कोटिंग्स होती हैं एंड कैथोडिक कोटिंग्स जो है वो नोबल कोटिंग्स होती हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है आपका एनोडिक कोटिंग। ठीक है, तो एनोडिक कोटिंग में क्या है, देखो इफ कोटिंग मेटल इज हाइयर placed in galvanic series। अब देखो galvanic series हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, lower classes के अंदर galvanic series हमने पढ़ी हुई है, उसमें क्या है कि metals जो है ना एक series में मतलब present है and उस series, वो series मतलब बहुत ज़्यादा conceptual है, क्योंकि उसके अंदर higher placed, middle placed, lower placed metals की अलग अलग properties होती हैं। ठीक है, तो वही galvanic series को हमने जो है ना समझना है, मतलब if coating metal is higher placed, यानी कि जो coating मेटल, जो मेटल पे हमें जो कोटिंग करनी है ना, तो वो मेटल की करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हम मेटल पे प्लास्टिक की कोटिंग तो नहीं करेंगे, तो मेटल पे जो मेटल की कोटिंग करनी है वो अगर हायर प्लेस्ड है ना, हमारी गैल्वेनिक सीरीज में एकदम टॉप पे प्रेजेंट है, देन बेस मेटल, बेस मेटल यानी कि जिस मेटल के ऊपर आप वो पर्टिकुलर मेटल की कोटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो अगर उसकी जो गैल्वेनिक सीरीज के अंदर वो कोटिंग मेटल हायर प्लेस्ड है देन दैट बेस मेटल, तो वो
दैट पर्टिकुलर कोटिंग इज कॉल्ड एज योर एनोडिक कोटिंग. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि इफ कोटिंग मेटल इज हायर प्लेस्ड इन गैल्वेनिक सीरीज देन बेस मेटल इज कॉल्ड एज एनोडिक कोटिंग. ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. एंड इसी के अपोजिट है आपका कैथोडिक कोटिंग. ठीक है, तो इसका एनोडिक कोटिंग का एग्जाम्पल क्या है, गैल्वनाइजिंग. ठीक है, आपने आई होप सुना होगा गैल्वनाइजिंग वगैरह क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली गैल्वनाइजिंग क्या होती है, देखो यहाँ पर जो है जिंक है. ठीक है, जिंक जो है वो मेटल को यूज किया जाता है एज अ कोटिंग मेटल. ठीक है, एंड बेस मेटल का यानी कि Fe और स्टील, हमेशा याद रखो एट द एंड टिल द एंड ऑफ योर दिस यूनिट आपको बेस मेटल जो है वो आयरन या स्टील ये ही दोनों कंसिडर करना है. ठीक है, बेस मेटल यानी कि जिनके ऊपर हमें कोटिंग करनी है. ऑफकोर्स हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा देखें तो हर जो मेटल होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो या तो आयरन का होता है या स्टील होता है ना, जिसको हमें करोजन से जो है प्रिवेंट करवाना होगा. सो द सेम थिंग यहाँ पर हम कोटिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि एक लेयर बन जाए एंड ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए वो चीज़ मेटल हमारी. एंड ऑफकोर्स मैं ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से एयर के कॉन्टैक्ट से नहीं आएगा वो पर्टिकुलर मेटल तो आपका जो करोजन है उसका होने का नाम ही पैदा नहीं होता. ठीक है, तो एनोडिक कोटिंग आप कैसे करोगे, इफ कोटिंग मेटल इज हायर प्लेस्ड इन गैल्वेनिक सीरीज देन बेस मेटल तो उसको हम एनोडिक कोटिंग बोलते हैं. तो यहां पर क्या है, जिंक जो है वो आप कोट करोगे ऑन योर बेस मेटल लाइक Fe और स्टील. ठीक है, वैसे ही कैथोडिक कोटिंग देखो तो कैथोडिक कोटिंग के अंदर क्या है, इफ कोटिंग मेटल इज लोअर प्लेस्ड इन गैल्वेनिक सीरीज देन बेस मेटल इज कॉल्ड एज योर कैथोडिक कोटिंग, इसका एकदम अपोजिट. लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर टीनिंग होगी. ठीक है, टीनिंग यानी कि SN है ना, टीन इसको हम बोलते हैं, तो टीन इज कोटेड ऑन Fe और स्टील. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. अब देखो मेटल कोटिंग्स बस इतनी ही हमें पढ़नी है एंड यही चार टॉपिक्स के बाद हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो आई थिंक अभी मैंने वो डिसीजन सही लिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो को पार्ट वन और पार्ट टू में कर दिया है ना, क्योंकि अगर आप मतलब एक ही वन शॉट में आते देखने तो ऑफकोर्स दो घंटे तक की वीडियो चली जाती. एंड आई डोंट मतलब प्रेफर सच थिंग्स कि एक ही वीडियो में एंड लाइक अगर चैप्टर बड़ा है फिर भी मैं फोर्सफुली उसको कर रही हूँ, आई डोंट लाइक सच थिंग्स. इसीलिए मैंने क्या करा, कल ही मैंने पार्ट वन में वो कंप्लीट कर दिया था एंड मैं भी एग्जॉस्ट हो गई थी सच बोलूँ तो. ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करेंगे एंड कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, एक वीडियो बढ़ गई है एंड आपका क्या है, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो अब, है ना. मतलब टाइम देके हर चीज़ को करोगे वो चीज़ याद रहेगी. एंड अगर एक ही मतलब मैं इतनी बड़ा चैप्टर एक वीडियो में ले लेती सो मतलब बल्कि हो जाता है ना. चलो अदरवाइज आ जाते हैं अपने ही टॉपिक के ऊपर, मेटल कोटिंग्स. ठीक है, तो मेटल कोटिंग्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिलीव मी आप इसके बाद बोलोगे कि मैम मैं तो ये पता था ये कैसे करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको समझ लेना है. चलो जैसे हॉट डिपिंग है, हॉट डिपिंग से क्या समझ में आ रहा है, हॉट डिपिंग है ना. आप कभी आइसक्रीम खाई है वो वाली जो जिसमें देखो चॉकलेट डिप करते हैं ना, मतलब ऊपर से अंदर से वैनिला होती है ऊपर से अगर हमें चॉकलेट की लेयर चाहिए तो वो डिप करके ऐसे चॉकलेट में देते हैं ना, तो वो डिपिंग ऐसे जैसे वो चॉकलेट डिपिंग हो गई है ना. तो वैसे ही आपको क्या करना है, मेटल को डिप करना है उस कोटिंग के अंदर है ना, जो भी मेटल की आपको कोटिंग करानी है वो मेटल की जो है ना हमने क्या कर दिया उसको मतलब हीट कर दिया एंड उसके एकदम मेल्टिंग टेम्परेचर पे ला दिया है उसको, मतलब वो लिक्विड फॉर्मेट में हो गया. ठीक है, एंड उस मेटल को क्या करना है, डिप करना है जिस भी मेटल हमें कोटिंग करनी है एंड देन उसको जो है कूल कर देना है, तो वो कोटिंग हो जाएगी, लेयर फॉर्म हो जाएगी, बस वही करना है. ठीक है, तो हॉट डिपिंग आया तो बस आइसक्रीम याद करना. ठीक है, चलो वैसे भी अभी गर्मियों में आइसक्रीम का ही मतलब सबको ज्यादा ये लग रहा है. चलो स्टार्ट करते हैं हॉट डिपिंग. जैसे मैंने आपको बोला इसके अंदर गैल्वनाइजिंग और टीनिंग आ जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ऊपर गैल्वनाइजिंग का क्या है, एनोडिक कोटिंग है और टीनिंग आपकी कैथोडिक कोटिंग है. ठीक है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से जो है कोटिंग करेंगे, सीमेंटेशन. ठीक है, एंड मेटल क्लैडिंग. मेटल क्लैडिंग तो बहुत सिंपल है, दो रोलर्स के बीच में मेटल जाएगा एंड मतलब बहुत सिंपल है. चलो देख लेंगे, फर्स्ट क्या है आपका, हॉट डिपिंग. ठीक है, तो देख लो हॉट डिपिंग का जो भी आपको प्रोसेस है ये फ्लो में आपको समझ में आ जाएगा. जो मैंने अभी आपको आइसक्रीम का जो दिया ना एग्जांपल वही है. देखो सबसे पहले है कोटिंग मेटल. ठीक है, कोटिंग मेटल जो है हमेशा याद रखना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होना चाहिए. क्यों, क्योंकि हमें उसको मेल्ट करना है, इसके मतलब एकदम वैसी वाली टेम्परेचर में लाना है एकदम लो एंड उसको क्या कर देना है मेल्ट करके, क्योंकि हमें उसके अंदर डिप करना है ना मेटल को. तो ये है कोटिंग मेटल. आई होप कि कोटिंग मेटल और बेस मेटल इन दोनों के बीच का
डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट, कोटिंग मेटल वो मेटल है जिसको जिसकी कोटिंग आपको लगानी है, और बेस मेटल वो मेटल है जिसके ऊपर आपको वो कोटिंग लगानी है, ठीक है। तो चलो, कोटिंग मेटल आपका टिन हो सकता है, एल्यूमिनियम, जिंक हो सकता है, ठीक है। याद रखना इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए। फिर वो बेस मेटल के ऊपर अगर हमें करना है तो बेस मेटल को क्या करेंगे, हम डिप करेंगे किसमें, इन मोल्टन कोटिंग मेटल बाथ। ये जो कोटिंग मेटल है ना, इसकी मोल्टन बाथ के अंदर हमें जो है उसको डिप करा देना है टू फॉर्म कोटिंग लेयर ऑन बेस मेटल सरफेस। तो बेस मेटल सरफेस के ऊपर कोटिंग आ जाएगी, है ना। फिर क्या है देखो, उसके बाद जो आ रहा है यहाँ पर, कोटिंग मेटल बाथ कवर्ड विद द फ्लक्स, यानी कि वो जो पर्टिकुलर कोटिंग है वो हमारे बेस मेटल के ऊपर हो जाएगी, है ना। देखो कितना सिंपल है, मतलब बस बस क्या कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट पता हो हम कर लेंगे, ऐसा वाले सीन है इन सब चैप्टर्स का, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाँ, ये जो हमें कोटिंग मेटल तो मतलब मिल गया है ना, कोटिंग मेटल जो है वो हमारे बेस मेटल पर हो गया कोट। अब क्या करना है हमें, उसको थोड़ा सा फ्लक्स के साथ कवर करना है, यानी ZnCl2 या फिर NH4Cl, ताकि हम ऑक्सीडेशन जो है वो अवॉइड कर पाए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा हॉट डिपिंग का कॉन्सेप्ट। अब हॉट डिपिंग के अंदर गैल्वनाइजिंग और टीनिंग है, ठीक है। एक समझ लो, दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो, गैल्वनाइजिंग क्या है, क्या उसका डेफिनेशन, वो हमने अभी देख लिया था, है ना। तो अब देखो गैल्वनाइजिंग क्या है, सबसे पहले तो ये मोर प्रेफर्ड देन टीनिंग है, ठीक है। टीनिंग से ज्यादा गैल्वनाइजिंग जो है ना वो मोस्ट प्रेफर्ड है। फिर देखो यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आता होगा, डायग्राम में क्या है, सबसे पहले देखो ये जो है आपकी मोल्टन जिंक बात है, ठीक है। यानी कि जिंक हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला कि गैल्वनाइजिंग में हमेशा हम जिंक की कोटिंग करते हैं हमारे बेस मेटल के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या लेना है, जो आपकी जो ये बात होगी है ना, वो मोल्टन जिंक बात होगी, जिसका टेम्परेचर क्या है, 425 to 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये याद रखना, ये वाला टेम्परेचर मैं अगेन बोल रही हूँ, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो बेस मेटल है, ठीक है, ये है आपके बेस मेटल की शीट, ओके। तो ये है क्लीन आपका, यस, जैसे मैंने बोला कोटिंग से पहले हमने क्या देख लिए, हमने उसकी क्लीनिंग के जो भी स्टेप्स है, प्रिपरेशन मेथड्स, वो देख लिए थे, है ना। तो वो हमने क्लीन करने के बाद आपको जो मेटल है वो यहाँ पर रोलर्स में जो है ना इधर देना है, ठीक है। तो आपका जो क्लीन आयरन आर्टिकल है वो आपको इस रोलर से पास करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो एक और रोलर प्रेजेंट है, यानी कि क्या होगा, देखो यहाँ पर है आपका मोल्टन जिंक बात, यहाँ से बेस मेटल आएगा एंड हॉट डिपिंग के अंदर है ऐसे फिर जाएगा, समझ में आ गया ना, ऐसे डिप होने के बाद ऐसे फिर जाएगा ऊपर, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ये कोटिंग आ जाएगी, है ना। एंड ये जो है ये फ्लक्स प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये फ्लक्स है ना जो कोटिंग है, उसके बाद एकदम हमें ZnCl2 और NH4Cl की जो है ना फ्लक्स की कवरिंग कर देनी है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ओके। तो यहाँ पे से जो मेटल है वो आया हमारा बेस मेटल, देन यहाँ पर ये जो डिपिंग है इसके अंदर, ठीक है ना, इस मोल्टन जिंक बात के अंदर ये फिर डिप हुआ, एंड देन फ्लक्स के अंदर डिप हुआ, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा एज रोलर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। फिर ये जो मेटल है यहाँ पर, ये इस रोलर से पास होगा, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप दो रोलर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर से ये एकदम, मतलब हमारी जो कोटिंग है वो एकदम मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कोटिंग है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है, ठीक है, एक्सेस जिंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ये गैल्वनाइज्ड आयरन है, यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन आर्टिकल आप कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कोटिंग होगी गैल्वनाइजिंग की, आई होप बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंड आई थिंक कि मैं एकदम एक्स्ट्रा बोलती नहीं हूँ, जो मतलब जितना है उतना ही मैं उतना ही एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज आप एक कॉन्सेप्ट पे मैं पूरी वीडियो बना सकती हूँ, एक इसी गैल्वनाइजिंग टॉपिक पे मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ। लेकिन मेरा एम क्या है, जस्ट आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है, हर सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट्स चेंज है, एंड अगर हमें हर सब्जेक्ट्स पे अगर मास्टरी करनी है तो उसके मतलब वो इंजीनियर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें हर सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, हम जस्ट हमें क्या करना है, वो सब्जेक्ट पास करना है, कैसे भी करके अच्छे स्कोरिंग करनी है, ताकि हमारा जो मेंटेन्ड है ना GPA वो अच्छे से मेंटेन रहे, ओके। तो बस इसी चीज है, अदरवाइज मतलब टीच करने के लिए तो एक्सप्लेन मैं कितना भी कर सकती हूँ, यही टॉपिक पे मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ। चलो,
तो जैसे कि अभी मैंने बोला आपको गैल्वनाइजिंग क्या है, तो जिंक की कोटिंग हमेशा हमारे बेस मेटल के ऊपर है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देख लो, जिंक इज कोटेड ऑन स्टील और Fe यानी कि आयरन बेस मेटल है ना, सिंपल है। दैट इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजिंग, यानी सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गैल्वनाइजिंग का जो डेफिनेशन है वो लिख दिया। फिर क्या है देखो, बेस मेटल इज क्लीन्ड बाय डिपिंग इन डाइल्यूट H2SO4 देन वाटर एंड देन ड्राई इट, यानी कि जो हमारा बेस मेटल है यहाँ पर हम उसको क्लीन कैसे करेंगे, तो हमें क्लीन कैसे करना है देख लो, डिपिंग इन डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट कर देना है उसके अंदर हमें, मतलब बहुत वाटर मिक्स कर देना है, एंड देन वी हैव टू डिप आवर बेस मेटल इन दैट। उसके बाद वाटर से वॉश करने के बाद आपको जो है ना उसको ड्राई कर लेना है, तो आपका जो बेस मेटल है वो क्लीन हो जाएगा। एंड जैसे कि हमने बोला, हमें क्लीन मेटल ही जो है कोटिंग के लिए आगे देना होता है। सो फिर थर्ड में आप लिख सकते हो, डिप द क्लीन्ड आर्टिकल इन मोल्टन जिंक बाथ विच इज मेंटेन्ड एट 425 to 450 डिग्री। देखो एक बार डायग्राम समझ में आ गया ना, ये प्रोसेस आप खुद लिख सकते हो एक बार पढ़ के, ठीक है। तो मतलब बस डायग्राम ही एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने क्लीन कर लिया, फिर क्लीन के बाद क्या किया, उस आर्टिकल को डिप करा हमने अपनी जिंक बाथ के अंदर, जो कि हमने कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करा है, 425 to 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर देन मेटल इज पास्ड थ्रू रोलर्स हियर एंड हियर एक्सेस जिंक इज रिमूव्ड एंड यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ जिंक इज गेट एंड कूल्ड, ठीक है, जो कि हमने देख लिया रोलर्स वगैरह से कैसे पास हो रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अगेन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो हेंस वी गेट द बेस मेटल कोटिंग विद द कोटिंग मेटल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन यानी कि नट बोल्ट स्क्रू वगैरह और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप जो है गैल्वनाइजिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाती है गैल्वनाइजिंग। उसके बाद अब देखते हैं हम टीनिंग, ठीक है। सेम देखो प्रोसेस, सेम दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत डायग्राम, हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है लेकिन हाँ सेम है। क्या करना है देखो, आपकी जैसे कि हम टीनिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कोटिंग मेटल होगा वो टीन का होगा, ठीक है। तो आपको जो ये आपकी बात है ना, इसको आप बोलोगे मोल्टन टीन बात, एंड ये कौन से टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, 240 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। उसका क्या था, आपके गैल्वनाइजिंग के अंदर कोटिंग मेटल का टेम्परेचर 425 to 450 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला कि हमें फ्लक्स जो है वो भी लगाना इंपॉर्टेंट है फॉर अवॉइडिंग ऑक्सीडेशन, तो ये फ्लक्स क्या है, ZnCl2 है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पर जैसे हमने ZnCl2 और एक यूज किया था NH4Cl आई थिंक, है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा है यहाँ पर NH4Cl, तो ZnCl2 या फिर NH4Cl, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ZnCl2 मोस्ट प्रेफर्ड है यहाँ पर फ्लक्स, एंड देन यहाँ पे हमारा जो स्टील आर्टिकल है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। देन यहाँ से आने के बाद यहाँ पर पाम ऑयल के अंदर जाएगा। इस पाम ऑयल का क्या यूज है अब भी आपको पता चल जाएगा जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बाकी देखो यही स्टील वही डिप हो रही है, वही उसके बाद पाम ऑयल के अंदर जा रही है। देखो पहले फ्लक्स हो रहा है ना, फ्लक्स में पास हो रही है, देन आपके जो कोटिंग मेटल है उसमें डिप हो रही है, देन फ्लक्स के अंदर, देन रोलर्स एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो टीन आर्टिकल है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक्सेस जो आपका टीन है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। फर्स्ट टीनिंग इज द टीन कोटेड ऑन बेस मेटल लाइक Fe और स्टील, क्लियर है। सेकेंड क्या है, बेस मेटल इज क्लीन्ड बाय वेरियस क्लीनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। जितने भी हमने क्लीनिंग प्रोसेसेस पढ़े उनमें से कोई भी प्रोसेस से आपको बेस मेटल को क्लीन कर लेना है। देन इट इज डिप्ड इन मोल्टन टीन विच इज मेंटेन्ड एट 240 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। उसके बाद देन मेटल इज पास्ड थ्रू पाम ऑयल। अब देखो पाम ऑयल का क्या यूज है, विच इज यूज फॉर नो करोजन टेकिंग प्लेस, यानी कि आगे करोजन से बचाता है हमारा पाम ऑयल, ठीक है। देन मेटल इज पास्ड थ्रू रोलर्स वेयर एक्सेस ऑफ टीन इज रिमूव्ड एंड यूनिफॉर्म कोटिंग इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। बस इतना आपको प्रोसेस लिखना है, 5 पॉइंट हो गए देखो, मतलब कितने आप लिख सकते हो, इसके अंदर आप और भी बढ़ा सकते हो अपने वर्ड्स में आप लिखोगे तो, ठीक है। फिर देखो एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस, ये मैंने एक ही इसमें लिख दिया, आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई इसके अंदर मतलब गलत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या, स्ट्रॉन्ग कोटिंग है, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स अब्रेसिव, ठीक है, अब्रेसिव भी प्रोवाइड करता है। इट कैन बी यूज टू स्टोर फूड ऑल्सो, ये याद रखना कि जो गैल्वनाइज्ड आर्टिकल है वो हम फूड मतलब स्टोर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, टीन के आर्टिकल्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैल्वनाइज
कर रहा है, यानी कि हम कोटिंग किसकी दे रहे हैं, जिंक की दे रहे हैं। जो जिंक है वो फूड के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड पॉइजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गैल्वनाइजिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं आएगा, आपको एमसीक्यूज में वगैरह पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ किया जाता है टू स्टोर फूड एंड क्यों, मतलब जो दूसरा आर्टिकल है वो क्यों नहीं किया जाता। सो द रीज़न इज़ ओनली दैट कि गैल्वनाइज्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी कोटिंग जिंक की होती है एंड जिंक जो है वो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके पॉइजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो बस इसीलिए, एंड टीन के जो आर्टिकल्स हैं वो इतने कुछ रिएक्टिव नहीं है, आप उसके अंदर फूड स्टोर कर सकते हो। फिर देखो, कॉपर वायर्स बिफोर रबर कोटिंग इज टीन्ड, यानी कि जो कॉपर वायर्स हम वायरिंग वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कॉपर वायर्स है उनके ऊपर रबर कोटिंग है होती है, देखा होगा आपने अलग अलग कलर, रेड, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर की जो है वो कोटिंग होती है रबर की। तो वो कोटिंग करने से पहले वो कॉपर वायर्स को टीन किया जाता है, ठीक है। देन इट इज़ यूज टू मेक कोटिंग यूटेंसिल्स, शीट्स आर मेड टू मेक पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशंस हो गए। अब आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर, ठीक है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो कोटिंग मेटल इज कोटेड ऑन द बेस मेटल सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल, यानी कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें क्या करना है, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोटिंग करनी होगी, ठीक है। तो देखो, कोटिंग मेटल इज कोटेड, जो भी कोटिंग मेटल होगा वो हम कोट कर देंगे ऑन आर बेस मेटल सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल, दैट इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है आपका डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रो प्लेटिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका मेटल है, ठीक है, कोटिंग मेटल है। कौन सा मेटल है, कोटिंग मेटल, जिसको आपको कोट करवाना है ऑन दैट पर्टिकुलर मेटल, ठीक है, जिसको आपको, देखो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, बेस मेटल नहीं बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका वो एंड यहाँ पर कोटिंग मेटल, यहाँ पर जो कोटिंग मेटल है इट विल एक्ट एज एनोड एंड द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज एक्ट एज कैथोड, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, है ना, नॉन कंडक्टिंग टैंक है ये, नॉन कंडक्टिंग टैंक एंड इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, कोटिंग मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, इसमें रिएक्शंस हैं एंड बिलीव मी बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है इन रिएक्शंस के अंदर। क्या देखो, कैथोड जो है, कैथोड क्या है देख लो, कैथोड है मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो अगर आपका कैथोड निकल का है, यानी कि निकल की प्लेटिंग अगर आपको करनी है तो आप क्या करोगे, निकल टू प्लस, ठीक है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, निकल की प्लेटिंग मिल जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, देखो यही रिएक्शन आपको यहाँ पर हमने आयंस के फॉर्म में रिएक्टेंट लिखे हैं एंड एट एनोड में आपको वो प्रोडक्ट साइड में लिखना है, समझ में आ गया, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, निकल टू प्लस, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, देखो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, तो यहाँ से हमें निकल प्लेटिंग मिल जाएगी। अगर आप जो है एजी यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आपको सिल्वर की प्लेटिंग मिल जाएगी। फिर क्रोमियम है, क्रोमियम का जो है 3 प्लस होता है, ठीक है, फिर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे तो हमें क्रोमियम की प्लेटिंग मिल जाएगी। एंड यही सबको रिवर्स फॉर्मेट में यहां लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेना इफ क्रोमियम इज एनोड, ठीक है, तो बस यही समझ लेना, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हो क्या है, द बेस मेटल क्लीन्ड वेल बाय यूजिंग एनी क्लीनिंग मेथड, कोई भी जितने हमने क्लीनिंग मेथड पढ़े उनमें से कोई भी एक क्लीनिंग मेथड से आप बेस मेटल को क्लीन कर सकते हो। मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज एट कैथोड, ये भी समझ लिया। कोटिंग मेटल एक्ट एज एनोड, ये भी पता है। नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कैथोड में जो है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लिख लेना। एंड यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो नेगेटिव साइड है वहां पर आपका कैथोड कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो, क्लीन कर लिया हमने, अब देखो देर इज अ नॉन कंडक्टिंग टैंक, ठीक है, और कुछ पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, दो तीन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ अभी, वो ही लिख लेना। क्या है देखो, जस्ट हमें क्या करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो कि जो भी नॉन कंडक्टिंग टैंक है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ कोटिंग मेटल, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर द आर्टिकल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ डीसी सोर्स टू मेक इट कैथोड। फिर एनोड इज द
कोटिंग मेटल और रॉड स्ट्रिप, ठीक है, ये जो एनोड है यानी कि जो कि हमें जो हमारा कोटिंग मेटल है ये एक रॉड शेप में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर स्ट्रिप आप कह सकते हो इसे, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग द सूटेबल पीएच एंड करंट डेंसिटी ऑन आर्टिकल सरफेस द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिगिंस, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही आपको जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है एंड देन आपको ये रिएक्शन दिखा देने हैं, ये ऊपर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन शो कर देने हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, द मेटल आयन्स इन सॉल्यूशन माइग्रेट टुवर्ड्स आर्टिकल एंड कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स ऑन रीचिंग देयर टू गेट डिस्चार्ज्ड एज मेटल एटम्स, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सॉरी ऊपर चलिए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पर क्या करना है, देखो द मेटल आयन्स इन सॉल्यूशन माइग्रेट टुवर्ड्स द आर्टिकल, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, जो आपके क्या कहते हैं आयन्स है, मेटल आयन्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ऑफकोर्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द आर्टिकल एंड कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स ऑन रीचिंग देयर टू गेट डिस्चार्ज ऑन मेटल एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिए जाएंगे एंड उस मेटल एटम्स के ऊपर जो है ना वो रीच करे जाएंगे, कैप्चर करने के बाद डिस्चार्ज करे जाएंगे। द कोटिंग मेटल यानी कि जो हमारा एनोड है, ठीक है, जो कोटिंग मेटल, इट पासेस इन सॉल्यूशन एज इट्स आयन्स, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मेटल आयन्स डिस्चार्ज ऑन द आर्टिकल इन सर्टेन टाइम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एनोड मेटल पास्ड इन द सॉल्यूशन, समझ में आ गया क्या, द क्वांटिटी ऑफ मेटल आयन डिस्चार्ज्ड ऑन आर्टिकल मतलब इन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनोड मेटल एटम्स पास्ड इन द सॉल्यूशन, जितने भी आपके जो मेटल आयन्स है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं जितनी क्वांटिटी में इन सर्टन टाइम दे आर इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एनोड मेटल एटम पास्ड इन सॉल्यूशन। फिर क्या है, देर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है एंड दैट्स इट, ठीक है, दैट इज योर पॉइंट्स इन कंस्ट्रक्शन, ओके। एंड यस, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोटिंग के अंदर यूज होते हैं। एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्गली अधियर्ड स्ट्रॉन्ग कोटिंग कैन बी अप्लाइड ऑन स्मॉल पार्ट्स लाइक ज्वेलरी वगैरह में जो कोटिंग होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोब्लेटिंग ही ऑफकोर्स यूज करी जाती है, ठीक है। एंड और मैं अगर बताऊँ सो मतलब एनी शेप, कोई भी शेप का आर्टिकल हो उस पर आप इलेक्ट्रोब्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हो, वुड ग्लास भी प्लेट करे जा सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है, डेकोरेशन और बेटर अपीयरेंस के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है ऑफ कोर्स, एंड करोजन प्रोटेक्शन तो है ही पॉइंट, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा इसका। अब देखो लास्ट के पॉइंट्स बाकी है, मेटल क्लैडिंग और सीमेंटेशन ही बचा हुआ है। तो देखो मेटल क्लैडिंग के अंदर क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच थिन शीट ऑफ कोटिंग मेटल इज बॉन्डेड ऑन द बेस मेटल सरफेस फ्रॉम वन साइड और बोथ द साइड्स, यानी कि क्या करना है, हमें एक थिन शीट लेनी है हमारे कोटिंग मेटल की, ठीक है, एंड बेस मेटल के मतलब दोनों भी साइड में आपको वो कोटिंग जो है ना वो थिन शीट वो आपको बॉन्ड कर देनी है, समझ में आ गया कैसे, अभी आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल डायग्राम है। तो अगेन आई विल रिपीट, इट इज द प्रोसेस इन विच थिन शीट ऑफ कोटिंग मेटल इज बॉन्डेड ऑन द बेस मेटल सर्फेस फ्रॉम वन साइड और बोथ द साइड, ठीक है। तो आपके जो क्लैड्स हो सकते हैं, जो क्लैड्स हम बोलेंगे उनको, ठीक है, क्लैडिंग के अंदर हम क्लैड्स किसको बोलेंगे, कोटिंग मेटल शीट्स को बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल क्या है, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, पीबी, वेरियस मेटल एलॉयज, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेस मेटल आपको ड्यूरालुमीन लेना है, ड्यूरालुमीन क्या है, एक एल्यूमिनियम का एलॉय है, ठीक है, या फिर स्टील, ब्रास या बेस मेटल्स ले सकते हो। प्रोसेस देख लो, बेस मेटल शीट इज सैंडविच्ड बिटवीन क्लैड्स, सेट ऑफ शीट्स अलाउड टू पास थ्रू रोलर्स बाय यूजिंग रोलर्स क्लैड्स फिक्स्ड ऑन द बेस मेटल मैकेनिकली, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमें, देखो बेस मेटल शीट इज सैंडविच्ड यानी कि जो बेस मेटल है आपका वो उसको एकदम बीच में रखा जाता है हमारे क्लैड्स के, और क्लैड्स क्या है, हमारे कोटिंग मेटल शीट्स, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो बेस मेटल शीट इज सैंडविच्ड बिटवीन क्लैड्स, सेट ऑफ शीट्स अलाउड टू पास through rollers, ठीक है, set of sheets allowed to pass through rollers by using rollers clads fixed on the base metal mechanically, ठीक है, चलो। उसके बाद देखो एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, विंडोज, डोर्स मेकिंग के अंदर क्लैडिंग होती है। कॉपर क्लैडिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन बिकॉज इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये सब आप कॉपर क्लैडिंग के अंदर यूज कर सकते हो। आई होप मैं ये आपको, मैं रुको गूगल पे जाके आपको दिखाती हूँ क्लैडिंग क्या होता है, ठीक है, कैसे होती है वो समझ में आ जाएगा फिर आपको। क्लैडिंग इन मेटल, ठीक है, क्लैड्स,
समझ में आ जाएगा आपको कैसे कोटिंग होती है ये। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना इनको। बहुत सारे आर्टिकल्स देखो, जैसे मैंने बोला बहुत हर टाइप के आर्टिकल्स जो है ज्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर आप देख सकते हो, ऐसे कोटिंग होती है ये। ठीक है, तो ये सब कोटिंग किसकी होती है? क्लैडिंग से होती है ये कोटिंग। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूं व्हाट इज क्लैड, व्हाट इज क्लैड थ्रू रोलर्स इमेज, तो ये देखो ऐसे ऐसे ये क्लैड्स होते हैं। ठीक है, ये जो है रोलर्स। ओके, तो यहाँ पर ये क्लैड रोलर्स इनको बोला जाता है। इनके बीच में क्या करते हैं हम, जो हमारा बेस मेटल है ना उसको सिचुएट करते हैं। देखो ऐसे शीट्स वगैरह हमें मिल सकती है ना। देखो यहाँ पर देख सकते हो आपकी कैसे हो रही है ना, स्ट्रिप क्लैडिंग हो रही है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो यही सब चीजें होती हैं जो कि क्लैड्स होते हैं। ठीक है, मेरे पास इसका बहुत सिंपल डायग्राम है, मैं क्या कर दूंगी उसको आपको, जो पीडीएफ है ना उसमें मैं दे दूंगी उसको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर आप देख सकते हो ऐसे, देखो ऐसे क्लैडिंग होती है ये। ठीक है, ऐसी सिंपल डायग्राम है वो। यस, यही डायग्राम है। क्या करना है आपको, देखो ये जो है ना वर्क पीस है आपका, ये रोलर्स में से पास करना है। एंड देखो ये ऐसे वर्क पीस में जो है ना शेप मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये है, यही डायग्राम मैं ढूंढ रही थी। तो ये होती है क्या, मेटल क्लैडिंग। ओके, तो चलिए हम अपने नोट्स में चले जाते हैं। एंड जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया है, बस आपको ऐसे ही अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो यही कर देना है, लिख देना है सब। ओके, चल लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज आर सीमेंटेशन। ठीक है, सीमेंटेशन यानी कि क्या है, देखो इन दिस मेथड बेस मेटल आर्टिकल आर पैक्ड विथ कोटिंग मेटल पाउडर एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर मेल्टिंग कंपोनेंट ऑफ देम। क्या है इसका मतलब, कि जो बेस मेटल आर्टिकल है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, इट इज पैक्ड विद द कोटिंग मेटल पाउडर। ठीक है, जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है उस कोटिंग मेटल का जो है हमें पाउडर बना लेना है एंड उसके अंदर हमें बेस मेटल को पैक कर देना है। ठीक है, एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर और जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर मेल्टिंग कंपोनेंट ऑफ देम। अब कोटिंग मेटल और बेस मेटल इन दोनों में से ऐसा बोला नहीं है कि जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट आप देखो कम होगा उसके हिसाब से हमें उस टेम्परेचर तक उसको लेके जाना है, जस्ट बिलो द, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर मेल्टिंग कंपोनेंट तक हमें क्या करना है, हीट करना है उसको। ठीक है, समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं, बेस मेटल को पैक कर रहे हैं विथ कोटिंग मेटल पाउडर एंड इट इज हीटेड टू द टेम्परेचर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर मेल्टिंग कंपोनेंट ऑफ देम। ठीक है, सो बाय सीमेंटेशन प्रोसेस मेटल एलॉयज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, मेटल एलॉयज हमें मिल सकते हैं बाय सीमेंटेशन प्रोसेस। तो देखो देर आर थ्री टाइप्स, कौन से हैं, शेरडाइजिंग, कोलराइजिंग, क्रोमाइजिंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, शेरडाइजिंग के अंदर हमारा जो कोटिंग मेटल यूज होता है वो जिंक होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, इनका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, जस्ट आपको तीन टाइप्स लिखना है और उसके आगे कोटिंग मेटल लिख देना है। क्या है शेरडाइजिंग का, जिंक, कोलराइजिंग का कोटिंग मेटल है एल्यूमिनियम एंड क्रोमाइजिंग का कोटिंग मेटल है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमाइजिंग का तो समझ में आ रहा है, शेरडाइजिंग में जिंक और कोलराइजिंग में आपको एल्यूमिनियम याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग कोटिंग। ठीक है, इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग कोटिंग। हमेशा आप क्या याद रखो, आप देखो अभी तक जितनी कोटिंग देखी हमने सब में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट एडवांटेज इट इज स्ट्रॉन्ग कोटिंग। ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स याद रखो ताकि अगर आपको मतलब याद नहीं आए कुछ एक्सट्रीम लेवल पे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर सेकेंड क्या है, दिस कोटिंग हैज गुड एब्रेशन रेजिस्टिविटी, यानी कि एब्रेशन के अंदर रेजिस्ट कर सकता है अच्छे से। ठीक है, देन इट इज एप्लीकेबल फॉर द बेस मेटल यानी कि स्टील ओनली। ठीक है, द मेटल इज सुट टेबल फॉर कोटिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक नट्स, बोल्ट, स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजों को भी हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ माय पीपीटी और पीडीएफ आप कह सकते हो। ठीक है, तो बस हो जाता है आपका यूनिट कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने मतलब बहुत अच्छा से सारे के सारे टॉपिक्स देख लिए एंड आई एम थिंकिंग लाइक मैंने अच्छा किया दो पार्ट्स में करके इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैथोडिक एनोडिक कोटिंग इसके अंदर हमने देख ली, सारी मेटल कोटिंग्स जो होती है ना वो हमने इसके अंदर देख ली है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड यस, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि अब आपका जो है केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड आपकी ये जो प्लेलिस्ट है
वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब आगे आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो चाहिए मुझे प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। आई विल रिप्लाई टू ईच ऑफ देम एंड आई विल रीड ईच कमेंट, ठीक है। आपके कमेंट्स मैं बहुत अच्छे से रीड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं जब लोग अच्छे से कमेंट करते हैं। तो चलो अब क्या करना है आपको, एंड यस आई एम वेरी नियर टू 6,000, तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा दो, सबसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से जल्दी से इस नंबर को बढ़ाते जाओ, क्योंकि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड आई एम वर्किंग ईच एंड एवरी डे। एंड सबसे ज़्यादा जो है अब वीडियो बन गई, इसके सबसे ज़्यादा वीडियो को एडिट करने में एंड देन अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अदरवाइज मैं एकदम मतलब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ऐसा समझती हूँ कि 10% ही है वीडियो बनाना, उसके बाद काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप जो है ना अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो एंड आगे अपने जो फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ ये लाइक मतलब वीडियो को शेयर करो। आपको जो चाहिए होगा इंजीनियरिंग के अंदर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी एंड हमेशा आपको हर चीज़ मतलब प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। बस अब देखो अब मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगी। आई विल ट्राई कि BSc कम्प्लीट हो जाए, देन मैकेनिक्स भी आई एम ट्राइंग, ठीक है। 6 यूनिट के नोट्स आधे हो गए, आधे आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है। ग्राफिक्स भी आई एम मतलब एक एक क्वेश्चन करके मैं करवा देती हूँ, ठीक है। जितने यूनिट हो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो, होंगे तो मतलब वेल एंड गुड, अगर उतने टाइम तक सब हो गया तो वेल एंड गुड, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा एग्जाम से पहले। लेकिन हाँ आप जो बोलोगे इंपॉर्टेंट वो मैं सबसे पहले लूंगी, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगी, ये सब प्लेलिस्ट है आप अपने सेव करके रख लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना एंड द मेन थिंग कि मेंबरशिप ले लो। 1 मंथ की मेंबरशिप मतलब बहुत नॉमिनल से चार्जेस है एंड यू विल गेट कंप्लीट नोट्स इन दैट, ठीक है। हर PDF आपको मिल जाएगी एंड मतलब बहुत सिस्टमैटिक वे के अंदर वहाँ पर मैंने सब कुछ रखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको जो भी PDF नोट्स चाहिए आप ओपन कर सकते हो जाके इजीली, ठीक है। तो वो सब एक्सेस आप कर सकते हो, आप ले लो 1 मंथ की एनसेम के लिए। तो बेसिकली मतलब मैं बोलूंगी कि आप ले ही लो, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आप अपने चैनल पर जाके पढ़ सकते हो। यस अपना ही चैनल बोलो इसको, ठीक है। मैं अपनी फैमिली का ही चैनल बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेरा चैनल वगैरह है, ठीक है। तो बस आप क्या करना है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है एंड यू हैव टू मतलब कमेंट इन दिस वीडियो आपको आगे क्या चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट यू फील बाय दिस वीडियो एंड केमिस्ट्री का आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताना। केमिस्ट्री जितनी भी मैंने टीच करी आपको पूरा सिलेबस हो चुका है, तो आपका जो एक्सपीरियंस लगा आपको वो मुझे आप बता सकते हो, जो भी फीडबैक आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एंड टिल द टाइम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अच्छे से सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, ठीक है। एंड चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।